हे एवरी वन दिस इज सोना शर्मा योर रीजनिंग एजुकेटर सो टूडेज क्वेश्चन ऑफ द डे इज बेस्ड ऑन डायरेक्शन एंड डिस्टेंस दिशा और दूरी पर बेस्ड है ओके सो हाउ मेनी डायरेक्शन देयर कितनी दिशाएं होती हैं एट डायरेक्शन देयर फोर आर नोन कौन सी कौन सी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ओके और इनके मिड से जो जाती हैं वो क्या होती है नॉर्थ और ईस्ट के मिड में होती है नॉर्थ ईस्ट ये होती है साउथ ईस्ट

आर के नॉर्थ नॉर्थ कहाँ जाएगा आर का ऊपर के साइड है ना सो so, आर के नॉर्थ में कौन है पॉइंट जे है कितनी दूरी पर ट्वेंटी वन मीटर की दूरी पर पॉइंट आर फाइव मीटर ईस्ट ऑफ क्यू ईस्ट क्यू का ईस्ट कहाँ जाएगा इस साइड जाएगा ना ठीक है तो पॉइंट आर फाइव मीटर ईस्ट में है क्यू के मतलब क्यू अगर कहीं यहां है तो यहाँ पे बिठा दिया आर को और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया फाइव पॉइंट Q इज फिफ्टीन मीटर साउथ ऑफ वी Q वी के साउथ में है वी के साउथ कहाँ आएगा वी के नीचे ठीक है कितनी दूरी पर है पंद्रह मीटर की दूरी पर है पॉइंट Q वी से ठीक है अब वी आएगा मतलब Q के कहीं ऊपर हम्म कहा लिखू वी को यहां 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 कहा यहां तो हम देखेंगे जे और R ट्वेंटी वन मीटर है और हमें वी क्यू को फिफ्टीन मीटर बनाना है मतलब इस लाइन से तो छोटी होगी ये लाइन तो यहाँ पे बिठा दीजिए V को और ये हो गया आपका Q 15 मीटर के डिस्टेंस पे आ गया ठीक है V के साउथ में नेक्स्ट पॉइंट V इज 10 मीटर वेस्ट ऑफ T अब ये V वेस्ट में है T के तो T का वेस्ट कहाँ जाएगा T का वेस्ट इस साइड जाएगा ना ठीक है अब हमें पता है V से अगर मैं देखू ये दूरी तो ये ये फाइव है तो ये भी फाइव होगा है ना तो फाइव और बना देते हैं और यहाँ पे बना दिया T टी। अब T के वेस्ट में वेस्ट में देखिए V आ गया कितने डिस्टेंस पर टेन मीटर के डिस्टेंस पर आ चुका है ठीक पॉइंट इज एटीन मीटर ईस्ट ऑफ के के का ईस्ट कहाँ जाएगा के का ईस्ट जाएगा इस साइड है ना ये बोल रही है टी के के ईस्ट में बैठा है ठीक है कितने दूरी पर टेन मीटर के डिस्टेंस पर सॉरी एटीन मीटर के डिस्टेंस पर ओके तो हम बोलेंगे के होगा कहीं यहां पे ओके अब देखिए ये यहाँ यहां तक फाइव है ये यहाँ से यहाँ तक फाइव है टोटल, कितना हुआ? V से तक का डिस्टेंस टोटल हो गया 10. हमें ये 18 बनाना है तो ये क्या होगा के वी का हो हो जाएगा जाएगा तभी एटीन अब टी ईस्ट में आ गया है के के एटीन मीटर पर ठीक है पॉइंट के इज टेन मीटर साउथ ऑफ एम पॉइंट के साउथ में है एम के कितने मीटर दस मीटर अच्छा ठीक है अब ये एम के नीचे तो आएगा के टेन मीटर के डिस्टेंस पर अब हम इस एम को कहाँ रखें इस जे की लाइन में रख दे क्या इस जे की लाइन में यहाँ पे रख दे क्या या यहाँ रखें या यहाँ रखें इसके ऊपर तो वो हमें पता चलेगा इन डिस्टेंस से जो गिवन है ठीक है हमें ये पता है कि ये जो टोटल डिस्टेंस था ये था ट्वेंटी वन हमें ये भी पता है ये कितना है फिफ्टीन जब ये फिफ्टीन है तो ये भी यहाँ तक 15 होगा तो 21 वन माइनस फिफ्टीन कर दीजिए कितना बचा सिक्स मतलब जे और ये इतना जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा सिक्स तो यहां से ये जो डिस्टेंस है ये भी सिक्स हो जाएगा तो यहां से अगर मैं जे की लाइन में देखूं तो यहां से यहाँ का डिस्टेंस भी सिक्स हो जाएगा है ना इन्होंने क्या बोला है पॉइंट के टेन मीटर साउथ में है एम के तो एम मतलब इस वाले पॉइंट से ऊपर होगा क्योंकि m और k की दूरी m और k के बीच का डिस्टेंस कितना है 10 है तो ये हो जाएगा 4 और ये 6 तो टोटल तो तो हो गया 10 ओके नाउ क्वेश्चन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट r विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट m एक सेकंड लेट मी चेंज द कलर ओके व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट आर विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट एम अब देखिए ये जो विद रिस्पेक्ट टू होता है ना जिसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है उस पे चले जाइए एम के रिस्पेक्ट में एम पे चले गए ठीक है उस पे जाके बना दीजिए प्लस प्लस हमें बहुत अच्छे से पता है ये होता है हमारा ईस्ट ऊपर जाता है नॉर्थ नीचे जाता है साउथ और इससे जाता है हमारा वेस्ट है ना यहां पे क्या बोला है आर की स्थिति बताइए आर कहाँ है पॉइंट एम के संदर्भ में तो एम से आर कहाँ है स्टूडेंट्स? हम बोलेंगे आर कहीं इधर दिख रहा है ये क्या जाएगा आगे ये है हमारा ईस्ट ये नीचे क्या जाएगा ये जाएगा हमारा साउथ और साउथ और ईस्ट के मिड से जारी है ये लाइन इट मींस ये हो जाएगा साउथ ईस्ट सो आंसर विल बी साउथ ईस्ट फोर्थ नेक्स्ट इफ पॉइंट ओ इज फोर मीटर साउथ ऑफ एम अगर एम के साउथ में ओ फोर मीटर पर है मतलब यहां पर बोल रहे हैं ओ है एम का साउथ एम के नीचे जाएगा ठीक है हमें पता है ये चार मीटर की दूरी थी ये फोर मीटर डिस्टेंस था ठीक है तो एम के साउथ में फोर मीटर के डिस्टेंस पे ओ को हमने बिठा दिया ऐसे बोल रहे हैं अगर ऐसा होता है

ओके okay. तो डिस्टेंस पूछ ले या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ ले इन दोनों में ही आपको न्यूनतम दूरी बतानी है मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही बताना है शॉर्टेस्ट रूट जो होगा उस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने का अगर वो आपसे टोटल डिस्टेंस पूछ लेते हैं तो ये है डिफर बिल्कुल डिफरेंट ठीक है टोटल डिस्टेंस मतलब आपको पूरा जो लॉन्ग रूट है वो फॉलो करना पड़ेगा जो नॉर्मल रूट है उसका मतलब कुछ ऐसे ओ से के तक और फिर के से वी तक बट यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा है तो हम डायरेक्ट ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे ठीक है अब हमें दिख रहा है दैट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल तो क्या लगा देंगे पाइथागोरस ठीक है बेस और हाइट दे रखा है सिक्स है एट है और ये हाइपोटेनस हमें फाइंड करना है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या करेंगे 6 का स्क्वायर प्लस एट का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर तो ये हो जाएगा थर्टी सिक्स प्लस इज इक्वल टू का स्क्वायर हंड्रेड हंड्रेड के ऊपर ये स्क्वायर हटके यहाँ पे रूट आ जाएगा हाइपोटेनस पता चल जाएगी सो so, क्या आया टेन आया तो so, वो जो डिस्टेंस आया है हमारा ओ वी ये जो हाइपोटेनस थी ये जो ओ वी है ये कितना आया है टेन आया है सो ऑप्शन थ्री विल बी करेक्ट आगे वट द डायरेक्शन ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू जे किसके रिस्पेक्ट में पूछा है उस पर जाके प्लस बना दीजिए जे के रिस्पेक्ट में क्यू कहाँ है आइए जे कहाँ है ये प्लस बना देते हैं जे के रिस्पेक्ट में क्यू क्यू कहाँ दिख रहा है हमें दिख रहा है कहीं यहाँ ठीक है हमें पता है इस साइड किया जाता है वेस्ट नीचे की साइड किया जाता है साउथ और ये लाइन कहाँ जा रही है साउथ और वेस्ट के बिल्कुल बीच में कही तो ये हो जाएगा आपका आंसर साउथ वेस्ट सो ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट सो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग एनी टॉपिक इन रीजनिंग यू कैन आस्क इट इन द कॉमेंट सेक्शन ओके एंड इफ यू वॉन्ट मोर वीडियोज लाइक दिस देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू